अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जे एस के डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका टीचर जान शेर खान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब में जे एस के डिज़ाइन स्टूडियो को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। सो एडोबी इलस्ट्रेटर की आज सातवीं क्लास है और आज की क्लास में हम स्ट्रोक्स के बारे में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज में हम स्ट्रोक्स के भी शेप बनाते हैं। कोई रेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, हम एम से सिलेक्शन टूल लेंगे, ठीक है, रेक्टेंगल टूल, और यहाँ से क्लिक और ड्रैग करके हम कोई भी साइज़ ड्रॉ कर लेंगे, या हम सिंपली एक क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी साइज़ हम ले लेते हैं 2 इंचज़ बाय 2 इंचज़। ठीक है, हमने एक बॉक्स बनाया। मैं जस्ट ये बेसिक आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हम डिफरेंट स्ट्रोक्स पर काम करेंगे तो उसके लिए आपको समझाना बेहद ज़रूरी है, ताकि डिफरेंट बॉक्स होंगे तो आपको बेहतर अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कुछ बॉक्सेस बनाए हैं, लेकिन सबका साइज़ जो है वो इक्वल है। ठीक है, आगे चल के आप देखेंगे कि इसमें कुछ चेंजेस होगी। मैं पहले कुछ शेप्स बना लूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा, अब हम यहाँ से स्ट्रोक सेलेक्ट करेंगे, व्यू में आएंगे, विंडोज़ में आएंगे, यहाँ स्ट्रोक आपको नज़र आ रहा होगा, स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल प्लस F10 प्रेस करेंगे, हमारे पास स्क्रॉल का टैब ओपन हो जाएगा। ये अगर आपके पास अपने पैनल्स की सेटिंग इस तरह रखी हुई तो आपके पास यहाँ शो हो रहा होगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास हो सकता है इस तरीके से शो हो रहा हो, जस्ट आपके पास वेट शो हो रहा होगा, वेट 10 पॉइंट्स। वेट मतलब इसकी जो थिकनेस है, इसका जो स्ट्रोक है वो 10 पॉइंट्स है। तो आप यहाँ पे थ्री जो लाइंस है इस पर क्लिक कीजिए, शो ऑप्शंस पर क्लिक करें, आपके पास सारे ऑप्शंस इस तरीके से कुछ शो हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। पहले मैं इसको थोड़ा सेट कर लूँ, एडजस्ट कर लूँ, ताकि आपको इन सब बॉक्सेस में डिफरेंस नज़र आए कि इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं इस बॉक्स में। ठीक है, तो इस पे आप देखिए कि इसके जो कॉर्नर्स हैं, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ठीक है, इसके जो कॉर्नर्स है ये आपको राउंड नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, या हम ये जो पहले कैप्स है, कैप्स हम नॉर्मली ज़्यादातर जो लाइंस वगैरह होती है या जो हमारी पाथ होती है उस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक पाथ ड्रॉ की है। ठीक है, सिंपली नॉर्मल स्ट्रेट लाइन है, इस पर मैंने क्लिक किया है, तो आप इसका देखिए जो कैप है, इसका कैप यहाँ से बट कैप है। ठीक है, यही सेम स्ट्रोक यहाँ पे भी है, लाइन इस पे भी बट कैप है, लेकिन अगर मैं इस कैप को चेंज करना चाहूँ, इसके जो कॉर्नर्स है, अगर आप ये कॉर्नर्स इसके देखें तो ये बिल्कुल स्क्वायर से शो हो रहे हैं। ठीक है, इसकी कॉर्नर्स मुझे राउंड करने हैं, तो सिंपली मैंने यहाँ सेंटर वाले पे राउंड कैप पे क्लिक करूँगा, दोनों साइड इसकी राउंड हो चुकी है। ठीक है, अगर मुझे कोई एक साइड इसकी राउंड करनी है, मैं इसकी पहले डुप्लीकेट एक ले लेता हूँ, मुझे अगर इसका एक साइड राउंड करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, या कीबोर्ड से ए प्रेस कर दूँगा, इस पाथ को मैं सेलेक्ट करूँगा, और इस पाथ को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ राउंड क्लिक करूँगा। उसके बाद देखिए हमारे पास फिर भी दोनों कॉर्नर्स राउंड हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये जस्ट एक पाथ है, लेकिन अगर हमारे पास कोई शेप होगी उसमें एक एरिया होगा। इसी तरीके से मैं इसके जो कॉर्नर्स है, इसको, इसके कैप्स जो है, स्टार्टिंग कैप और एंडिंग कैप, इसको मैं राउंड कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये आपको यहाँ से राउंड नज़र आ रहा होगा। इस तरीके से यहाँ पे एक है, इसको अगर मैं करना चाहूँगा प्रोजेक्टिंग कैप, तो मैं इस पर सिंपली इस पर क्लिक कर दूँगा, तो आप देखिए इसका जो स्ट्रोक है ये बाहर की तरफ आ चुका है। ठीक है, अगर मैं इसको नॉर्मल इस पर कर देता हूँ बट कैप पे, तो आप देखिए इसका स्ट्रोक अंदर की तरफ आ रहा है, लेकिन अगर मुझे इसका स्ट्रोक बाहर की तरफ चाहिए होगा तो मैं इसको प्रोजेक्टिंग कैप पे क्लिक करके बाहर की तरफ इसका स्ट्रोक ले सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मैंने यही अप्लाई किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं, यहाँ हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे नीचे अलाइन स्ट्रोक से। अच्छा, इसका जो स्ट्रोक है, अब आप देखें ये स्ट्रोक इसमें आपको नज़र आ रहा है, सेंटर में ये लाइन है। ठीक है, और ये इस पर सेलेक्ट है अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर। ठीक है, क्योंकि इसकी जो ये जो स्ट्रोक है ये सेंटर से अलाइन है इस वक्त। अगर मुझे मिड में करना होगा, अगर आपको सिंपली मैं समझाना चाहूँ तो आप इसको क्लिक कीजिए और इस स्ट्रोक का साइज़ यहाँ से 10 पॉइंट्स की जगह 20 पॉइंट्स कर दीजिए। आपने देखा, जैसे ही 20 पॉइंट्स मैंने किया, इसका स्ट्रोक दोनों साइड से बढ़ा है।
बाहर साइड से भी, आउट साइड से भी और इन साइड से भी। अगर मैं अंडू करता हूँ तो दोनों साइड से स्ट्रोक इसका कम हुआ है। रीडो कर रहा हूँ, दोबारा देखें, फिर स्ट्रोक इसका दोनों साइड से बढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इस पे मैं आता हूँ तो ये आप देखेंगे अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड है, ये अंदर की तरफ स्ट्रोक इसका कम होगा। मैं अगर यहाँ 10 पॉइंट्स की जगह इसको 20 पॉइंट्स करता हूँ, अब आप देखिए इसका स्ट्रोक जस्ट अंदर की तरफ बढ़ा है, बाहर की तरफ इसका स्ट्रोक नहीं किया। जबकि हमने इस बॉक्स पे जब किया था तो दोनों तरफ स्ट्रोक बढ़ा था हमारा, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। और इस पे हमने जैसे ही अप्लाई किया तो वो सिर्फ अंदर की तरफ हमारा स्ट्रोक बढ़ा है। मैं अंडू कर रहा हूँ, दोबारा से स्ट्रोक इसका बढ़ाता हूँ 20 पॉइंट्स। ये देखिए इसका स्ट्रोक अंदर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। छोटी छोटी टिप्स है बट आपको काफ़ी जगह इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो इसलिए आपको इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। इसी तरीके से हम लास्ट वाले पे आते हैं। लास्ट वाले पे जैसे ही मैं माउस के कर्सर लेके जा रहा हूँ, अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड, आउटसाइड। अब मैं अगर इसका स्ट्रोक यहाँ से बढ़ाऊँगा तो इसका स्ट्रोक बाहर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। इसका स्ट्रोक, फर्स्ट वाले का स्ट्रोक दोनों तरफ बढ़ा था, इनसाइड भी आउटसाइड भी। सेकंड वाले का स्ट्रोक जस्ट इनसाइड बढ़ा था और थर्ड वाले का स्ट्रोक आउटसाइड पे, ठीक है। मैं अंडू कर रहा हूँ, अब देखिए दोबारा यहाँ से यहाँ कम हो गया। मैं दोबारा इसका स्ट्रोक बढ़ाता हूँ 20 पॉइंट्स। अब ये देखिए दोबारा बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रहा, मैं इस पर एक रूलर ले लेता हूँ। ये देखिए मैंने इस पर रूलर रखा, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। अब मैं इसका स्ट्रोक बढ़ाता हूँ। अब आप देखिए इसका स्ट्रोक हमने 20 पॉइंट्स किया, तो अब ये देखिए यहाँ से भी बाहर निकले स्ट्रोक और यहाँ से भी, मींस कि बाहर की तरफ स्ट्रोक बढ़ा है, अंदर का स्ट्रोक सेम टू सेम है। आप यहाँ माउस रखिए, ये देखिए अंदर का स्ट्रोक अपनी जगह पे, जस्ट बाहर का स्ट्रोक बढ़ा है, ठीक है। इसी तरीके से हमने इस पर सेंटर का स्ट्रोक किया हुआ है, इनसाइड वाला। इनसाइड पे अगर मैं हटा देता हूँ, मैं इसको सेंटर पे कर देता हूँ, तो अब देखिए ये अब सेंटर से हो गया दोनों साइड से। इसी तरीके से मैं ऊपर वाली शेप पे आता हूँ इस पर। अब देखिए इसकी जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है, कॉर्नर्स बहुत आपको हार्ड नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। राउटनेस वगैरह इसमें नहीं है। इसमें हमने फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, मैटर ज्वाइन, ठीक है। अब इसकी जो कॉर्नर्स है ये आपको राउंड नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं इस पर भी ये राउंड कर देता हूँ तो इसके कॉर्नर्स यहाँ से राउंड हो जाएंगे, ठीक है। इसके कॉर्नर्स मैं पहले से ही राउंड कर चुका हूँ, क्योंकि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा राउंड ज्वाइन, ठीक है। अगर मैं इसको फर्स्ट वाले पे सिलेक्ट करता हूँ मैटर जॉइंट पे, तो अब ये देखें ये इसके कॉर्नर्स भी हार्ड हो गए, ठीक है। मैंने एक और तरीका भी आपको बताया था, आप सिंपली यहाँ जो आपको ये सर्कल नज़र आ रहे हैं चार सर्कल्स, आप इस पर भी अगर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इसके कॉर्नर्स राउंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप जितना चाहें राउंड कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर शेप राउंड नहीं करनी, हमें जस्ट कॉर्नर्स राउंड करने हैं, तो हम यहाँ से राउंड के जॉइंट पे क्लिक करेंगे। राउंड जॉइंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके जो कॉर्नर्स है जस्ट वो राउंड हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास इसमें थर्ड ऑप्शन भी है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है बेवल जॉइंट। अब इस पर जैसे मैंने क्लिक को तो इसके कॉर्नर्स आप देखें हार्ड भी है, लेकिन वो कर्व में आपके पास शो हो रहे हैं, ठीक है। एक क्रॉस लाइन सी शो हो रही है आपके पास चारों कॉर्नर्स पर। अगर मैं इसको राउंड पर क्लिक करता हूँ, देखिए अब ये इसके कॉर्नर्स राउंड हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ बेवल पर, अब देखिए इसके कॉर्नर्स चेंज हो चुके हैं। अच्छा, ये हो गए। अब इसके बाद हम आते हैं फर्स्ट पॉइंट कैप्स का। मैं आपको यहाँ बता चुका था ये कैप्स है, इसका स्ट्रोक अंदर की तरफ है, इसका जो राउंड है यहाँ से हमने राउंड कैप कर दिया था। अगर मैं इसको बट कैप पे करता हूँ, अब आप देखें इसकी राउंडनेस ख़त्म हो गई है, लेकिन मैं इसको राउंड ही रखूँगा, ठीक है। इसके बाद और यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन था प्रोजेक्टिंग कैप, इसमें इसका स्ट्रोक बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। अगर मैं राउंड करना चाहूँ तो राउंड कर सकता हूँ, अगर मैं राउंड प्रोजेक्टिंग करना चाहूँ तो ये बाहर की तरफ हार्ड शेप में हो जाएगा, ठीक है। रूलर को मैं हाइड कर रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए रूलर यूज़ किया था। इसके बाद हम आते हैं एक लाइन पे, ठीक है। हमने एक लाइन ली। अच्छा, इस लाइन का अगर मुझे यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका फिल भी है, या बॉक्स की हम सिलेक्शन लें तो देखें आपके पास यहाँ फिल भी शो हो रहा है, ठीक है, और यहाँ इसका स्ट्रोक भी शो हो रहा है। अगर हमें स्ट्रोक ख़त्म करना होगा, हम सिंपली यहाँ नन पे क्लिक करेंगे, स्ट्रोक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका हमें जस्ट फिल ख़त्म करना है, स्ट्रोक रहने देना है, तो हम स्ट्रोक यहाँ पे नन पे क्लिक करेंगे, स्ट्रोक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और ऑप्शन है हमारे पास, हम ये बॉक्स सेलेक्ट करते हैं। आपके पास यहाँ भी फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों कलर्स नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जो
एलिस्ट्रेटर है उसमें हम इसे फिल कहते हैं, और नीचे जो बैकग्राउंड कलर होता है उसे हम स्ट्रोक कहते हैं, जबकि फ़ोटोशॉप में डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ होती है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका स्ट्रोक फिल इसका ऑफ करना है, मैं यहाँ से भी ऑफ़ कर सकता हूँ नन पे क्लिक करके, और या यहाँ अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा इसका फिल ऑफ़ हो गया है, ठीक है। मुझे इसका स्ट्रोक ऑफ़ करना है तो पहले मुझे इसका स्ट्रोक पहले चेंज करना होगा। मैं यहाँ से भी स्वैप कर सकता हूँ, अगर यहाँ से स्वैप नहीं करूँगा तो सिंपली जो नीचे वाला कलर है स्ट्रोक उस पर क्लिक करूँगा, वो ऊपर आ जाएगा। ऊपर जैसे ही आएगा हम इसको यहाँ क्लिक करेंगे, इसका स्ट्रोक ऑफ हो गया है। अगर मुझे दोबारा सेम स्ट्रोक चाहिए, मैं यहाँ कलर पर क्लिक करूँगा, फिर इसका कलर आ चुका है। अगर मुझे ग्रेडियंट चाहिए, ग्रेडियंट कलर चाहिए, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, फिर हम ग्रेडियंट यहाँ से जो चाहें वो बना सकते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट के लिए यहाँ स्ट्रोक अभी 1 पॉइंट है, हम नॉर्मली 10 पॉइंट रखते हैं। इस पर ये ग्रेडियंट यूज़ हो रहा है, यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ग्रेडियंट्स है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से इसका स्ट्रोक ऑफ रखेंगे, ठीक है। हमें जस्ट फिल चाहिए था, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ग्रेडियंट वगैरह यूज़ किया है। इसके बाद हम स्ट्रोक पे दोबारा आते हैं। अब ये हमारे पास स्ट्रोक कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। हम इसका फिल ऑफ कर देते हैं इन दोनों का, जस्ट हम स्ट्रोक रहने देते हैं। अब मुझे इस स्ट्रोक जो है हमारा, हमें इसमें डैशेस चाहिए, डॉटेड लाइंस चाहिए, ठीक है। हम यहाँ डैश लाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास ये कुछ डॉट्स ओपन हुए हैं। इसका स्ट्रोक बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। मैं इसका स्ट्रोक मज़ीद कम कर देता हूँ, 3 पॉइंट्स कर देता हूँ, ठीक है। ये अब नॉर्मल इसका स्ट्रोक आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बॉक्स साइज़, अगर बॉक्स का साइज़ आप बड़ा है तो आप स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं, अगर बॉक्स का साइज़ आपको छोटा है तो आपको स्ट्रोक कम रखना होगा। अब मुझे यहाँ ये आप देखेंगे 12 पॉइंट्स, और यहाँ भी 12 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स। अब ये जितना भी आपको गैप नज़र आ रहा है ये 12 पॉइंट्स का है, ठीक है। अगर मुझे किसी जगह मतलब गैप कम ज़्यादा करना है, अब इस वक्त चारों साइड जो हैं स्क्वायर जो है इसका गैप इक्वल है, ठीक है। तो अगर हमें स्पेसिंग इसकी कम करनी होगी किसी एक पॉइंट से, लेट सपोज़ हम करते हैं, अब आप देखें यहाँ सब जगह हमने 12 पॉइंट्स रखा है, ठीक है। मैं यहाँ 12 पॉइंट्स रहने देता हूँ, उसके बाद यहाँ 5 पॉइंट्स करता हूँ, फिर 12 पॉइंट्स, फिर 5 पॉइंट्स, फिर 12 पॉइंट्स, फिर 5 पॉइंट्स, ठीक है। अब आप देखें ये सब जगह स्पेसिंग कुछ डिफरेंट हो गई है, ठीक है। या मैं 5 5 ही सब जगह कर देता हूँ, एक जगह 12 रख देता हूँ। आप देखिए यहाँ हमारे पास अभी 12 पॉइंट्स हैं, और ये बीच में 5 पॉइंट्स का डैश है, ठीक है। फिर 12 पॉइंट है, फिर 5 पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से हम डैशेस को एडजस्ट कर सकते हैं जिस हिसाब से आपको चाहिए हो। अच्छा, दूसरा एक यहाँ पे अब आप देखेंगे यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। अलाइन डैशेस की 2 ऑप्शन आपके पास शो हो रहे हैं, एक हो रहे हैं प्रीवियसली। अब ये अगर इस पर जैसे ही मैं चेक करूँगा तो आप देखें इसके कॉर्नर्स पे जो मतलब इसके एंडिंग पॉइंट वगैरह जो है वो शो नहीं होंगे, सही। इसके कॉर्नर्स सब डिफरेंट उसमें नज़र आ रहे होंगे, लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट करके राइट वाले पे क्लिक करता हूँ, अलाइन डैशेस टू कॉर्नर्स एंड पाथ एंड्स, ठीक है। अब आप देखें इसकी जो पाथ के एंड्स है सब इक्वल है, सब जगह सेम पाथ स्ट्रोक्स नज़र आ रहे हैं आपको। तो इस तरीके से आप डैशेस को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बॉक्स है, इसमें अगर मैं डैशेस ऑन करता हूँ, डैशेस हमेशा यहाँ से हमें चेक लगाना पड़ेगा, चेक लगाने के बाद डैशेस ऑन होंगे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ 2 पॉइंट्स, फिर 20 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स। अब आप देखिए ये आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसके जो कॉर्नर्स है, ये जो डैशेस है, ये आपको राउंड नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से राउंड कैप सेलेक्ट किया हुआ है। जस्ट इसमें हमने राउंड कैप सेलेक्ट नहीं किया, यहाँ प्रोजेक्टिंग कैप है। तो अगर इसको भी हम बट कैप करेंगे तो इस तरीके से नज़र आएगा, अगर हम राउंड कैप करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। लेकिन इसका स्ट्रोक बहुत ज़्यादा है क्योंकि बॉक्स का साइज़ छोटा है, तो इसलिए हमें इसका स्ट्रोक 2 या 3 पॉइंट्स रखना होगा, ठीक है। हम 3 पॉइंट्स रखते हैं क्योंकि हमने इसका भी 3 पॉइंट्स रखा था, ठीक है। लेकिन इसमें जो इशू आ रहा है वो गैप का आ रहा है कि हमने 20 पॉइंट्स रखे हैं और 2 पॉइंट्स रखे हैं। अगर हम 20 की जगह 10 कर देते हैं, 10 10 10, अब आप देखें ये 10 पॉइंट्स है और बाकी 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम डैशेज भी यूज़ कर सकते हैं। हमें अगर किसी कर्व में कोई डैशेज वगैरह यूज़ करने हों तो हम कोई कर्व बनाते हैं, हमने एक नॉर्मली कर्व बनाया, ठीक है। इसमें हमारे पास डैशेज ऑलरेडी होने, कर्व हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा,
हम डैश पे क्लिक करेंगे, हम कोई भी यहाँ पे 5 पॉइंट्स के डैशेज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमें अगर इसके यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे या एंडिंग पॉइंट पे हमें कोई कैप चाहिए, कोई एरो की चाहिए, अक्सर हम कोई साइन बोर्ड या इस टाइप की कोई चीज़ें बनाते हैं तो हम उसके लिए नॉर्मल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, डैश ऑफ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, हमें इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे या एंडिंग पॉइंट पे हमें डैश चाहिए होता है। तो यहाँ है एरो हेड्स। ठीक है, एरो हेड्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आप देखिए लेफ़्ट साइड पे स्टार्टिंग जो पॉइंट था यहाँ आपका एरो लग गया। लेकिन हम ज़्यादातर लेफ़्ट डायरेक्शन के लिए, अगर हम राइट डायरेक्शन के लिए करना चाहें, या अगर हमें अगर हम ये राइट डायरेक्शन के लिए करना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके यहाँ से हम राइट डायरेक्शन, इसकी एंडिंग जो डायरेक्शन है उस पर भी एरो लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमें दोनों डायरेक्शन पे लगाने हैं तो हम सिंपली यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे अपनी सिलेक्शन पे, और दोनों साइड पे कोई भी एरो की हम लगा देंगे। हमने दोनों एरो एरो की डिफरेंट लगाए हैं, हम कोई और चेंज करते हैं, हम स्टार्टिंग पॉइंट ये लगा देते हैं और एंडिंग पॉइंट हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा एरो अब बन जाएगा। अच्छा, अब मैं एक और शेप बनाता हूँ। अब आप देखें इसमें मैं स्टार्टिंग पॉइंट कुछ इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और एंडिंग पॉइंट पे हम इस तरह लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, एंडिंग पॉइंट लगाने के बाद अब आप देखें यहाँ की जो स्टार्टिंग एंडिंग की जो साइज़ है, यहाँ हम इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं इस एरो का। ठीक है, अगर हमें स्टार्ट का बढ़ाना होगा तो हम यहाँ से इसका साइज़ 100% है, हम इसको 300% करते हैं। ये देखिए इसके कैप का साइज़ बढ़ चुका है। ठीक है, लेकिन 300% बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको 150 कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एरो का साइज़ इसका बढ़ चुका है। इसी तरह हमें एंडिंग पॉइंट का अगर साइज़ बढ़ाना हो, यहाँ भी 100 है, हम इसको 200 कर देते हैं। ये इसके एरो का भी साइज़ बढ़ गया, लेकिन हमारी जो लाइन थी वो सेम साइज़ पे है। वो बढ़ाने के लिए हमें यहाँ से स्ट्रोक इसका बढ़ाना होगा, लेकिन स्ट्रोक के साथ ये भी बढ़ेगा साइज़ इसका, ओवरऑल साइज़ बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने सबका साइज़ इक्वल नहीं रखा था। मैं अगर इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ 100%। ठीक है, अब हम स्ट्रोक का साइज़ बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली उसका साइज़ भी बढ़ेगा, जो हमने इस पर कैप्स लगाए होंगे, एरोज़ लगाए होंगे, या एंडिंग या सर्कल कुछ भी लगाया होगा। तो इस तरीके से हम कुछ यूँ काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें जस्ट ये एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट इसका बड़ा साइज़ पे चाहिए तो अब आप ये देखिए ये अलाइन आ रहे हैं। ठीक है, एक्सटेंड एरो टिप बियॉन्ड एंड टू पाथ। ठीक है, अब ये देखें थोड़ा सा ये एरो इसका एक्सटेंड हो गया, थोड़ा सा आगे चला गया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो रिटर्न अपनी प्लेसमेंट पे वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए हो, थोड़ा एक्सटेंड करना हो, थोड़ा फासला बढ़ाना हो, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद एक्सटेंड हो जाएगा। मैं अगर इस एरो पे करता हूँ, ये देखें थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और हम आज के बाद जितनी भी क्लासेस होंगी थोड़ी छोटी रखेंगे ताकि आपको समझने में और प्रैक्टिस करने में आसानी हो। छोटी क्लासेस होगी, ज़्यादा क्लासेस होंगी उसके ज़्यादा पार्ट्स बनेंगे, तो आपको लेकिन बिल्कुल क्लियरली समझ आएगा। अगर मैं ज़्यादा भी बड़ी वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझने में भी थोड़ी मुश्किल होगी और इसकी प्रैक्टिस करने में भी दुश्वारी का सामना होगा। तो आई होप आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगले क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।